तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा वाटर लिली का टैंक। हमने छोटा सा इसके लिए ये देख रहे हैं आप, ये कुछ नहीं है, बच्चे लोग जो नहाने वाला टब है उसमें हमने अपना वाटर लिली लगा रखा है। और इसमें चार कलर है हमारे पास। ये जो आप देख रहे हैं ये वाइट है, और ये अभी पर्पल कलर का है, आज ये खिला नहीं है, हो सके तो ये कल खिलेगा। और ये है पिंक कलर, और इसमें है येलो कलर। ये अभी फ्लॉरिंग नहीं हुआ है, होने वाला है। तो हम इसका केयरिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें आप लोग को बताएंगे, और ख़ास चीज़ इसमें क्या क्या आप लोग को करना है कि आपका वाटर लिली कुमुदिनी का प्लांट बहुत अच्छा खिलता रहे, हमेशा फ्लॉरिंग होता रहे। तो बहुत सारे आज आप लोग को जानकारी हम आप लोग को शेयर करेंगे, तो देखिएगा। इसका सॉइल प्रिपरेशन के बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लिंक मैं शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स, और आई बटन में भी अपना लिंक शेयर कर रहा हूँ, जिससे आप वहाँ जाके इसका मिट्टी हम कैसे तैयार करें ये सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगा। तो लिंक में जाके आप हमारा वीडियो जरूर देखिएगा कि इसका हम सॉइल कैसे बनाते हैं। तो पहला केयरिंग टिप्स मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप ये देख रहे हैं, ये पत्ता ये अब पुराना हो चुका है, ये सड़ चुका है, तो इसको आप हटाने के जितना आपसे बन सके कि आप पुराने जो पत्ते हैं जो खराब होने के कगार पे है उसको आप निकाल दीजिएगा। ये कुछ नहीं सड़ के पानी को खराब करेगा, फंगस लाएगा, इससे अच्छा आप इसको सारे पत्ती को निकाल दें जो खराब हो रहा है। कि आप देख रहे हैं ये पत्ता ये खराब हो गया, इसको मैं बाहर कर दे रहा हूँ, ये पत्ता खराब हो गया, बाहर कर दे रहा हूँ। अब दूसरा बातें मैं ये बताऊंगा कि जैसे कहीं कहीं पे काई आ जाएगा तो उसको पानी को आप बराबर साफ करते रहें, काई को आप हटाने की कोशिश करें, तो जिससे इसमें भी लार्वा नहीं आएगा, मच्छर का लार्वा वगैरह। पानी अगर साफ आप करते रहेंगे तो होगा ये कि पानी साफ रहेगा और इसमें कीड़े वीड़े नहीं लगेंगे, मच्छर के लार्वा नहीं आएंगे। कि अब दोस्तों मैं दिखाना चाहूंगा आप लोग को कि आप बड़ा सा अगर पौंड बनाते हैं तो जनरली आ जाता है इसमें घोंघे। आप देख रहे हो कि ये छोटे छोटे घोंघे आ चुके हैं, ये देखिए, और ये प्लांट को नुकसान पहुंचाते हैं। अब इसको हमको हटाना कैसे है, इसके लिए अभी आप लोग को मैं उपाय बता रहा हूँ। तो जिस जितना आपसे बनता है आप अब इसको हटा सकते हैं, पकड़ के आपको हटा सकते हैं, और बहुत सारे इसमें और छोटे छोटे बच्चे हैं उसको आपको कैसे हटाना है, कैसे मारना है, ये अभी आप लोग को मैं बता रहा हूँ। आप दो चम्मच ले लेंगे फंगीसाइड, अपना वाटर टैंक के हिसाब से आप फंगीसाइड लीजिएगा, और मिला लिए हैं इसमें पानी, और ये फंगीसाइड का पाउडर मिलाए हम। आप कोई सा भी फंगीसाइड उपयोग कर सकते हैं, मार्केट में बहुत सारा ब्रांड उपलब्ध है, तो आप कोई सा भी फंगीसाइड यूज कीजिएगा और अपने वाटर टैंक में डाल दीजिएगा, जिससे छोटे छोटे जो भी कीड़े मकोड़े हैं सारे नष्ट हो जाएंगे। और धीरे धीरे आप जब भी आपको समय मिले तो पानी को चेंज जरूर कीजिएगा, पानी बीच बीच में मैं चेंज करते रहता हूँ, जिससे नया पानी मिले और अच्छा से पोषक तत्व तो इन लोग को मिलते रहे। पानी में ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ का खास चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जिससे कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे इससे। दोस्तों, आधा घंटा बाद हमने देखा तो ये देख रहे हैं ये सारे छोटे छोटे सारे मर चुके हैं ये स्नेल, और धीरे से आप छन्नी से या किसी चीज़ से उसको बाहर करते चलें स्नेल को। मिट्टी इसका बार बार चेंज करने का जरूरत नहीं पड़ता है, साल में या दो साल में एक बार हम मिट्टी चेंज करते हैं। तो आइए बताते हैं कि ये चारों कलर को हमने कैसे लगा रखा है। आप देख रहे होंगे कि ये चारों अलग अलग कलर का वाटर लिली है, और उसको हमने अलग अलग टब में लगा रखा हुआ है। कारण ये कि अलग अलग टब में इसलिए लगाए हुए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अलग टब में है और ये भी अलग टब में है, और ये पर्पल कलर का अलग टब में है, और वो
येलो कलर के अलग टब में है। कारण ये कि अगर एक साथ लगा देंगे एक ही टब में या एक बड़ा सा पॉन्ड में सब कलर को अगर रख देंगे तो मिक्स हो जाएगा और आप उसका प्रोपगेशन नहीं कर पाएंगे, दिक्कतें होती है कि कौन सा कलर क्या है और सही ढंग से आपका फ्लॉरिंग भी नहीं दे पाएगा अगर आप एक साथ लगाते हैं। तो करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप एक पौधा से बहुत सारे पौधा और तैयार कर सकते हैं, या अपने और अन्य दोस्त लोग को आप दे सकते हैं, फैमिली मेंबर में आप दे सकते हैं। तो आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ कि इसका प्रोपगेशन कैसे करें और विस्तार कैसे करें। तो मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ कि देखिएगा ये पत्ते से ही और इसका अलग से ब्रांच निकलता है। ये देखिए इसको आप मिट्टी में लगा के, जो मैं सॉइल बताया हूँ वैसे वाला मिट्टी में लगा के इसका अलग से फिर प्रोपगेशन कर सकते हैं। ये देखिएगा ये अलग से निकला हुआ है इसी के पत्ते में, यहाँ से इसको कटिंग करके, यहाँ से कटिंग करके हम अलग से इसको पौधा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पत्ते से ही निकलता है इसका और शाखाएं, और ये बहुत जल्दी अलग पौधा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ से कभी निकालने की कोशिश मत करें जिससे ये इसका रूट डैमेज हो सकता है। तो अगर आप चाहेंगे तो अच्छा हो कि पत्ते से जो और शाखाएं निकलती हैं उससे आप अन्य पौधा बनाइएगा। इस टैंक में आप कुछ मछलियां भी रख सकते हैं, आप इसमें गंबुजिया मछली या मौली फिश और गप्पी फिश रखा जा सकता है जो छोटे छोटे कीटों को खाने का काम करेंगे और मच्छर का जो लार्वा होता है उसको नष्ट कर जाएंगे, उसको खा जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यह होगा कि उन लोग को दाना डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा मछलियों के लिए, ये सब लार्वा को खा के वो बहुत ही जल्दी तेज ग्रोथ करेंगे। तो आप ज़रूर भी इस फिश को अपने वाटर लिली के टैंक में रखिएगा। लास्ट और खास बात मैं बताऊंगा कि मैं इस वाटर लिली को क्या खाद देता हूँ, इसको फर्टिलाइजर क्या दिया जाए जिससे आपको सालों साल इसमें फ्लॉरिंग होते रहे, हर टाइम इसका फ्लॉरिंग होते रहे। तो आइए हम इसमें क्या खाद डालें कि इसमें अच्छा से अच्छा फूल आए। तो आगे देखिएगा वीडियो में कि हम कैसा खाद इसके लिए बनाते हैं। हमने ले लिया ही एक कपड़े का छोटा छोटा टुकड़ा ले लिए हैं और इसमें हम खाद डालेंगे थोड़े आधा चम्मच डीएपी के दाने ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बस। अब हम ले लिए हैं इसमें एनपीके, आप मैं 20-20-20 ले रहा हूँ, आप 19-19-19 भी ले सकते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा हम एनपीके भी डाल देंगे इसमें। अब मेरे पास चार टब है, चार टब में मैं तीन तीन। अब हम कपड़े का छोटा छोटा पॉकेट बना रखे हैं और इसको धागे की मदद से या ऐसे इसको ऐसे बांध देंगे और इसको हम डालेंगे सभी टब में। अब आप देख रहे हैं कि हमने छोटा छोटा ये पॉकेट तैयार कर लिया है। अब हम आ चुके हैं अपने वाटर लिली के पास और इसको खाद देने की तैयारी चल रहा है। अब हम एक पॉकेट लिए हैं और इसके गहराई में ये मिट्टी के नीचे टब के अंदर जो मिट्टी है वहां पे हल्का से इसको दबा देंगे जिससे धीरे धीरे ये खाद घुलता जाएगा और सारे जड़ को पोषक तत्व तो ये देते चलेगा। तो एक टब में हम तीन जगह डाल रहे हैं ताकि चारों जगह चारों साइड पोषण मिल सके। हमने पहला टब में तीन जगह खाद दे चुका है, तीन अलग अलग जगह में, ताकि चारों साइड पोषक तत्व तो इसको मिल सके। अब हम जा रहे हैं दूसरा पॉट में, ये वाली व्हाइट वाले कलर में हम डाल रहे हैं। तो इसमें भी हम तीन जगह हम डाल रहे हैं छोटा छोटा पॉट जो थैली बनाए हैं उसको। तो फ्रेंड्स खाद डालते हुए जब हमने देखा तो ये देख रहे हैं अब येलो कलर भी यहाँ पे खिल चुका है और छोटा सा फ्लॉरिंग हुआ है अभी, तो येलो कलर भी अब चालू हो चुका है फ्लावर देने के लिए। तो अभी लास्ट टब में हम खाद डाल रहे हैं, ये छोटा छोटा थैली हम सारे पॉट में डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स खाद देने का काम कंप्लीट हो चुका है, आप महीने में एक बार ऐसा खाद दे सकते हैं जिससे फ्लावरिंग बहुत अच्छा से होगा। और हमने
खाद मिट्टी के अंदर टब के अंदर इसलिए डाला क्योंकि अगर ऊपर में हम अगर डालेंगे तो ये पानी तक ही सीमित रह जाएगा। तो जरूरी है कि सारे पोषक तत्व पौधों के जड़ को मिले, इसलिए हम पानी के ऊपर नहीं डाले, डायरेक्ट टब में हम डाले हैं, जिससे धीरे धीरे घुलते हुए ये इन लोग को पोषक तत्व प्रदान करेगा। और एक कारण और खाद पानी में न डालने का कारण एक और है कि हमने इसमें छोटी छोटी मछलियाँ डाल रखी है, जिससे पानी में डालने से डायरेक्ट पानी में अगर हम खाद देंगे तो मछलियों को हम हो सकता है नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हमने मिट्टी में खाद डाला जिससे धीरे धीरे वो घुलेगा और फिर जड़ को डायरेक्ट वो इसका न्यूट्रिशंस मिलता रहेगा। तो आप भी जड़ में ही डालिएगा खाद डायरेक्ट टब में। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि वाटर लिली का सारा केयरिंग के बारे में हमने डिटेल में आप लोग को बताया है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत अच्छा वीडियो आप लोग के लिए हम लेके आएंगे, तो हमारे चैनल में बने रहिएगा। थैंक यू।